आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जहाँ पे आपको सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर जो पहला स्टेप होता है जहाँ पे हमें बायोमेडिकल वेस्ट को सेग्रीगेट करना है। सो सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम लोग दो प्रकार के वेस्ट को देख सकते हैं, जो कि आपका नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट एंड इन्फेक्टेड वेस्ट होता है। बात करें यदि हम नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट की, तो ये आपका जिस तरह से आप अगर मैं बात करूँ साइटोटॉक्सिक जो ड्रग होती हैं या केमिकल वेस्ट होता है, इनको हम लोग यहाँ पर स्टोर करते हैं या कह सकते हैं कि हम इसको जिस कंटेनर में स्टोर करते हैं वो है आपका ब्लैक कलर का कंटेनर होता है, प्लास्टिक कंटेनर होता है ये, नॉन क्लोरीनेटेड होता है। ओके एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट, सो सेकंड टाइप आपका होता है इन्फेक्टेड वेस्ट, जिसमें आपका सॉलिड वेस्ट, अगर हम बात करें एनाटोमिकल वेस्ट, इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स एंड शार्प्स, ये सारे आते हैं। और इनकी कलर कोडिंग पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कलर कोडिंग के बेसिस पे ही आप इन सभी वेस्ट को सेग्रीगेट कर पाओगे और आपके एग्जामिनेशंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो रेड कलर का जो प्लास्टिक कंटेनर आप देख रहे हो, इस कंटेनर में यानी इस बिन के अंदर हम लोग इन्फेक्टेड ड्रेसिंग्स या प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कास्ट है वो, और कॉटन्स जो आपका है इसमें हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। तो ये है आपका रेड प्लास्टिक कंटेनर। एंड आपका एक येलो कलर का जो प्लास्टिक कंटेनर आप देख रहे हो, इसमें हम लोग जनरली जो है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, अगर हम बात करें जैसे बॉडी पार्ट्स, पैथोलॉजिकल वेस्ट, प्लेसेंटा, ये सारी चीज़ें जो है हम इस येलो कलर के बिन में रखते हैं। और उसके बाद आपका है, अगर मैं बात करूँ इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स में, जैसे कि अगर एक कलर कोड है ब्लू कलर कोड, इसके अंतर्गत यानी इस बिन में हम लोग सीरेंज, ग्लव्स या प्लास्टिक वेस्ट या जो भी है इस तरह की चीज़ें हम इसमें रखते हैं। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर एक होता है वाइट कलर का प्लास्टिक कंटेनर, ये जो कलर कोड है ये स्पेशली इंडिकेट करता है, इसमें हम लोग जो जितने भी शार्प्स हैं यानी नीडल्स एंड कट ग्लासेस, ये सारे के सारे जो इसमें हैं इस बिन के अंदर हम स्टोर करते हैं। तो ये आपके कहीं ना कहीं सेग्रीगेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग है, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू एंड वाइट। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसके बाद जो आपका ब्लैक कलर का कलर कोडिंग आप देख रहे हो प्लास्टिक कंटेनर, इसके अंदर जो आपका वेस्ट होता है केमिकल वेस्ट और केमिकल ड्रग्स जो होती हैं, इनको भी हम लोग डिस्पोज करते हैं बाय केमिकल ट्रीटमेंट। एंड इसके बाद इसका सिक्योर्ड लैंड फिलिंग होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो रेड कलर कोड जो आपका प्लास्टिक कंटेनर है, इसके अंदर आपका सॉलिड वेस्ट जैसे कि इन्फेक्टेड ड्रेसिंग्स एंड पीओपी कास्ट, ये सारी चीज़ें जो आती हैं इनको हम ऑटोक्लेव करते हैं और एंड इसके बाद अल्टीमेटली डीप बरियल कर देते हैं। इसके बाद आपका अगर ये येलो कलर कोड जो आपका देख रहे हो कंटेनर, तो इसमें जो आपका प्लेसेंटा, पैथोलॉजिकल वेस्ट एंड बॉडी पार्ट्स या एनिमल वेस्ट जो होती है उसको हम लोग डीप बरियल करते हैं। इसके बाद इन्फेक्टेड अगर प्लास्टिक्स की बात करें, तो यहाँ पर यानी ब्लू कलर का जो कोड आप देख रहे हो इस कंटेनर के अंदर या इस बिन के अंदर, जो आपके सीरेंज, ग्लोव्स या प्लास्टिक वेस्ट हैं इनको हमें डिसइंफेक्ट करना होता है विथ क्लोरीन सॉल्यूशन। एंड इसको हम ऑटोक्लेव करते हैं एंड देन हम म्यूटिलेट भी कर सकते हैं एंड फाइनली इसको हम रिसाइकल कर देते हैं। इसके बाद आपका जो ये वाइट कलर कोड का जो आपको कंटेनर या बिन दिख रहा है, जिसमें हम लोग शार्प्स को यानी नीडल या फिर जो ग्लासेस हैं ग्लासफेयर्स, इसमें हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। तो इस कंटेनर के अंदर ये जो वेस्ट होती हैं इनको हम लोग शार्प पिट में इनको स्टोर कर लेते हैं। लेकिन याद रहे इनको डिसइंफेक्ट करना होता है विद द 1% क्लोरीन सॉल्यूशन। एंड देन इसको हम लोग कॉमन जो आपकी ट्रीटमेंट फैसिलिटी है उसके थ्रू होके जो भी इसके अंदर हम लोग रिसोर्स रिकवरी कर पाते हैं करते हैं। एंड देन फाइनली हम लोग या तो डीप बरियल कर देते हैं या रिसाइकलिंग कर देते हैं या फिर जो सिक्योर्ड लैंड फिलिंग है, ये सारे अलग अलग प्रकार के जो मैनेजमेंट टेक्निक है उसको हम अप्लाई करते हैं। तो यही था आपका सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और यदि आप इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और अभी के लिए यदि आप मेरे YouTube पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।